नमस्कार आप सभी को। जब पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है, तब भारतीय सरकार ने 3 नए ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं ऑर्डिनेंसेस के बारे में। इन ऑर्डिनेंसेस को लेकर भारत की सभी किसान यूनियंस जो हैं धरना दे रही हैं, इन ऑर्डिनेंसेस का विरोध कर रही हैं। क्या है इन ऑर्डिनेंसेस में, क्या है जो किसान विरोधी है और क्या है जो किसानों के लिए है? सरकार ने तो कहा है कि ये 3 ऑर्डिनेंस जो हैं भारतीय किसानों के पक्ष में जाते हैं, पर किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? सारे देश में जितनी भी किसान यूनियंस हैं इसका विरोध क्यों कर रही हैं, जानिए इस वीडियो में। 5 जून 2020 को हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने 3 एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं। इन 3 ऑर्डिनेंसेस में ऐसा क्या है जिसे लेकर भारत के सभी किसान जो हैं रोष में हैं? हम एक एक करके आपको इस वीडियो में 3 ऑर्डिनेंसेस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं। जब पार्लियामेंट के दोनों सेशंस में से एक कार्यरत नहीं होता तब ऑर्डिनेंसेस पास किए जा सकते हैं। ये एक कानून की तरह ही होता है, पर इसकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 6 मंथ्स होती है। और महामारी के समय में भारतीय सरकार ने ये 3 ऑर्डिनेंसेस क्यों पास किए, ये तो वही बता सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के बारे में। इसके द्वारा सरकार ने फसलों को एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से बाहर कर दिया है। एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से बाहर करने का मतलब ये हुआ कि अब कोई भी इन्हें होल्ड कर सकता है, कहीं भी सप्लाई कर सकता है, अब ये एसेंशियल गुड्स नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि होल्डिंग को बढ़ावा दिया जाए, इससे प्राइवेट सेक्टर जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है एग्रीकल्चर में। अब इसका किसानों को फायदा होगा या नहीं होगा ये तो सरकार ही बता सकती है। दूसरा अमेंडमेंट एक्ट है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। अब इसके द्वारा किसान किसी भी थर्ड पार्टी के साथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आपको पता ही है कि भारत में कई ऐसे गरीब किसान हैं जो ठेके पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं। अब जो बड़ा किसान होगा उसे पता है कि मैं एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता हूं, तो शायद हो सकता है कि वो इन्हें खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना ही बंद कर दे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि पिछले साल की ही बात है कि गुजरात में पेप्सी कॉरपोरेशन ने 3 पोटैटो किसानों पर केस कर दिया कि क्योंकि इन्होंने हमें आलू का पुराना स्टॉक दिया है, इससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। 1-1 करोड़ रुपया उन्होंने इन 3 किसानों से मांगा क्योंकि उन्होंने रिटन कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब बड़े कॉर्पोरेट किसानों का शोषण भी कर सकते हैं। और तीसरा एक्ट जो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। इसके द्वारा सरकार कहती है कि अब किसान जो है अपनी फसल किसी भी जगह बेच सकता है, यानी कि बिहार का किसान पंजाब में आकर अपनी फसल बेच सकता है। इससे पहले पूरे भारत में कई स्टेट्स में APMC का सिस्टम चलता है। अब APMC का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज। इन्हें रेगुलेट करती है स्टेट गवर्नमेंट्स। मैं अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब में पंजाब मंडी बोर्ड जो है इन कमेटीज़ को रेगुलेट करता है। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा पंजाब में रेगुलेट की गई हैं कई मंडीज़ और कुछ प्राइवेट मंडीज़ भी हैं जिन्हें सरकार रेगुलेट करती है। अब किसान जो है वो इन मंडीज़ में जाता है और जो बिचौलिया है जिसे हम यहाँ आढ़तिया कहते हैं उसे अपनी फसल बेचता है और आढ़ती से आगे सरकार फसल खरीदती है। अब जब भारतीय सरकार ये कह रही है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब APMC सिस्टम जो है बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे जब प्राइवेटाइजेशन हुई थी स्कूल्स की। अब जो छोटा किसान है उसके लिए APMC जो है वो सरकारी स्कूल की तरह हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि
आप अपनी फसल जो है अपने घर पर भी बेच सकते हैं। पंजाब और हरियाणा ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर MSP लागू है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि किसान को उसकी फसल का मिनिमम एक निश्चित मूल्य तो मिलता ही मिलता है। किसानों को ये भी लग रहा है कि ये एक्ट पास हो जाने से हो सकता है कि MSP भी खत्म हो जाए। हालांकि भारतीय सरकार ने अपने तीनों ही ऑर्डिनेंसेज में कहीं भी नहीं कहा है कि MSP खत्म कर दी जाएगी। किसान यूनियंस को लगता है कि अब इस नए सिस्टम में MSP नहीं रहेगी। मैं आपको बता दूं कि 6% किसान ही ऐसे हैं जिन्हें MSP का फायदा मिलता है, पंजाब और हरियाणा। देश के बाकी 94% ऐसे किसान हैं जिन्हें फिलहाल MSP का कोई फायदा नहीं मिल रहा। आपको मैंने अभी बताया कि ये तीन ऑर्डिनेंस कौन कौन से हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किसान यूनियंस इन ऑर्डिनेंसेस का विरोध क्यों कर रही हैं। सबसे पहले किसान यूनियंस ये कह रही हैं कि MSP को लीगलाइज किया जाए, यानी कि पूरे देश में किसानों को उनकी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़रूर मिले। भारत में बिहार एक ऐसा प्रदेश है, स्टेट है, जिसमें 2006 में APMC को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था। आज 14 साल हो गए हैं। लॉकडाउन के टाइम बहुत सारे माइग्रेंट्स आपने अपने अपने घरों में जाते हुए देखे हैं, और आपको पता ही होगा कि बिहार को जाने वाला लेबरर सबसे ज़्यादा था। इसका मतलब ये हुआ कि APMC ख़त्म करने से कोई फायदा बिहार को नहीं हुआ। किसान यूनियंस का ये कहना है APMC सिस्टम को ख़त्म करने की जगह इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ओपन मंडी वाला सिस्टम जो है USA और यूरोप में पिछले 60 साल से चल रहा है, पर अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन ने कहा है कि 91% किसान USA में बैंक करप्ट हो चुके हैं और 87% फार्मर्स खेती छोड़ना चाहते हैं। मैं ये भी बता दूं कि जब मैं अगर पंजाब की एग्जांपल लूं, अगर आपको पंजाब की किसी भी मंडी में आकर फसल खरीदनी है तो आपको पंजाब सरकार को 6% टैक्स भी पे करना है। जब ओपन मंडीज हो जाएंगी, जब आप फसल किसान के घर से जाकर भी खरीद सकते हैं, तो फिर आप मंडी में 6% टैक्स देकर फसल क्यों खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि APMC लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। भारतीय सरकार का ये कहना है कि अब वन नेशन वन मार्केट होगा, बट एक्सपर्ट्स का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि अब वन नेशन टू मार्केट्स होंगी, एक APMC के अंदर और दूसरी APMC के बाहर। मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है जिसमें बहुत खूबसूरती से इस सिस्टम को पंजाब के एग्जिस्टिंग सिस्टम से कंपेयर करके समझाया गया है, हम उसी पर चर्चा करते हैं। पंजाब में जितनी भी मंडीज हैं जहां पर किसान अपनी फसल को बेचता है, उसे पंजाब मंडी बोर्ड, एक डिपार्टमेंट है, वो उसे रेगुलेट करता है सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार। पंजाब के CM साहब जो हैं, उन्होंने भी इन तीनों ऑर्डिनेंसेस का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि वो सभी किसान यूनियंस के साथ हैं। पंजाब सरकार के द्वारा APMC एक्ट में 2017 में एक अमेंडमेंट लेकर इसे सुधार करने की कोशिश की गई। पंजाब के APMC सिस्टम में आपके पास फसल खरीदने के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है, पर भारत सरकार द्वारा जो अमेंडमेंट की गई है उसमें कोई भी पैन होल्डर फसल को खरीद सकता है। APMC एक्ट के द्वारा आप पंजाब मंडी बोर्ड के द्वारा अधिकारित मंडीज में और प्राइवेट मंडीज में, जिन्हें पंजाब सरकार रेगुलेट करती है, आप फसल खरीद सकते हैं, पर आपको मंडी बोर्ड को 6% डेवलपमेंट टैक्स भरना है, और वो टैक्स पंजाब मंडी बोर्ड पंजाब के रूरल एरिया और मंडीज़ की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है। पर इन नए ऑर्डिनेंस के द्वारा आप अपनी फसल जो है किसान के घर में जाकर भी खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब किसी भी ट्रेडर को APMC एक्ट के द्वारा मंडी में जाकर 6% टैक्स देने की ज़रूरत होगी ही नहीं, वो किसान के घर में जाकर अपनी फसल खरीद सकता है। एग्जिस्टिंग APMC एक्ट के द्वारा किसान को उसकी फसल का मूल्य 48 घंटे में मिल जाना चाहिए। अगर उसको कोई भी शिकायत है तो वो पंजाब मंडी बोर्ड से या फिर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से इसकी शिकायत कर सकता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि DC ट्रेडर की प्रॉपर्टी सेल कर भी किसान को उसकी फसल का मूल्य दे सकता है। पर सेंटर द्वारा पास की गई ऑर्डिनेंस में किसान को उसकी फसल का एक या 3 दिन में
मूल्य मिलना जरूरी होगा। अगर उसे कोई शिकायत होगी तो SDM द्वारा गठित की गई कमेटी में वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। आपको इस वीडियो में मैंने तीनों ऑर्डिनेंसेस के बारे में बताया और ये भी बताया कि किसान यूनियंस किन बातों का विरोध कर रही हैं। मोटे तौर पर किसान यूनियन चाहती हैं कि पूरे देश में किसानों को उनकी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरूर मिले। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि APMC यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज को बिल्कुल ही खत्म नहीं करना चाहिए, उनमें सुधार की जरूरत है तो उन्हें सुधार करना चाहिए। सरकार कहती है कि अब किसान के लिए ओपन मार्केट होगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, बट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत में 86% किसान के पास 2 एकड़ से कम जमीन है। क्या ये विजिबल है कि वो अपनी फसल किसी दूसरे स्टेट में बेच सकता है? खेती का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, बड़ा किसान तो सरवाइव कर जाएगा बट छोटे किसान का कुछ नहीं होने वाला। बड़े कॉरपोरेट्स अब खेती पर राज करेंगे और भारतीय सरकार की उन्हें लगता है कि यही पॉलिसी है कि वो बड़े कॉरपोरेट्स को बढ़ावा देना चाहती हैं। इस वीडियो में हमने आपको जितनी भी जानकारी दी, इसके बारे में जितने भी सोर्सेज और आर्टिकल्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा मकसद था आपको इन ऑर्डिनेंसेस के बारे में बताना, क्योंकि पूरे देश में अब किसान सड़कों पर हैं और इन ऑर्डिनेंसेस का विरोध कर रहे हैं। भारत की कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन ऑर्डिनेंसेस का विरोध कर रही हैं। हमारा मकसद था आपको सरल भाषा में इन ऑर्डिनेंसेस के बारे में बताना और आप इन्हें पढ़कर समझकर खुद ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ऑर्डिनेंसेस किसानों के पक्ष में हैं या उनके विरोध में हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर आ रही बाकी वीडियोज़ भी अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।